मूंग दाल खाना वैसे तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें मूंग दाल से बनी उनकी फेवरेट इडली अपने चीले खिलाए जाए तो पूरी प्लेट साफ कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही हेल्दी सी स्टफ्ड मूंग दाल चीले की रेसिपी, जिसे आप नाश्ते में भी ट्राई कर सकती हैं, बच्चों के लंच में भी रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं स्टफ्ड मूंग दाल चीला। स्टफ्ड मूंग दाल चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मूंग की दाल। ये मैंने एक कप के करीब मूंग की दाल ली है। ये हम पीले वाली जो कलर की मूंग की दाल आती है उसे यूज कर रहे हैं। एक ग्रीन कलर की भी मूंग की दाल आती है, आप उससे भी चीले ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी बनते हैं। अब हमने अपनी मूंग की दाल को जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार, और अब हम इसे जो है भिगो के रख देंगे। अगर आप ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल के चीले बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी सोख करके रख सकते हैं, वरना ये 4 से 5 घंटे में ही जो है अच्छे से फूल जाती है। अब पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि हमारी दाल जो है डूब जाए, इससे ज्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, और इसको जो है हम ढककर रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। अब 4 से 5 घंटे के बाद जो है हमारी मूंग दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है। अगर मैं इसको देखिए इस तरह से उठा रही हूँ और नील से तोड़ रही हूँ तो ये दाल जो है हमारी अच्छे से टूट रही है। बस इतना ही हमें इसको भिगोना था। और अब जो है हम सारे के सारे मूंग की दाल को जो है ना एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये जो पानी मैंने इसमें डाला था भिगोने के लिए दाल को, उसे हम एक तरफ निकाल देंगे। हमें इसमें पीसते समय ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। अब हमने जो है मूंग की दाल ट्रांसफर कर ली है ग्राइंडिंग जार में। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अदरक 1 इंच के करीब टुकड़ा, इसको छील के अच्छे से हम बारीक बारीक काट लेंगे। और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। अगर आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए अदरक और हरी मिर्च का फ्लेवर तो आप इसमें ऐड कीजिएगा। और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब हमारा देखिए बैटर इस तरह से तैयार हो गया है, और इसको जो है हम ग्राइंडिंग जार में से हम बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमें मूंग की दाल का जो बैटर है वो एकदम चिकना चिकना नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। दरदरा से हमारा मतलब ये नहीं है कि हम इसे मूंग की दाल के पीसेस को छोड़ेंगे, मींस हमें जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा मोटा रखना होगा। जैसे हम उड़द की दाल अक्सर पीसते हैं डोसा वगैरह के लिए, वो हमारी थोड़ी चिकनी तरह की पीसती है। इस तरह का बैटर हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें इस तरह का बैटर चाहिए कि हम जब मूंग की दाल के वड़े तैयार करते हैं वैसा होता है। हमें थोड़ा सा इस तरह का टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम वीडियो में कि हमें इस तरह का टेक्सचर रखना है हमारे मूंग की दाल के चीले बनाने के लिए। अगर आपको लगे कि बैटर जो है हमारा थोड़ा सा थिक है तो हम इसमें क्या ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे। जिस तरह से आप देखिए मैं भी जो है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ, और हमें ज्यादा पतला इसका टेक्सचर हमें जो इसका बैटर है नहीं रखना है। थोड़ा पानी ऐड करें कि वो हमारा अच्छे से जो है तवे पे स्प्रेड हो पाए। अब देखिए बैटर हमारा एकदम से अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसे हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक, और थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए जो है अच्छा सा टेस्ट आए इसके अंदर मूंग की दाल के चीले में, तो मैं ऐड कर रही हूँ फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया भी। अब हम इस बैटर को जो है ना 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, और इसके साथ ही जो है हमने कुछ जो है इसकी सब्जियां, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आज जो हम चीला बनाने वाले हैं मूंग की दाल का, वो हम बनाएंगे स्टफ्ड चीला, तो उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स यूज करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ सब्जियां जो है इसमें फाइन चॉप कर ली है, ये मैं इसमें यूज कर रही हूँ येल्लो कैप्सिकम, थोड़ी सी मैं इसमें स्वीट कॉर्न यूज कर रही हूँ, मैं फ्रोजन वाले यूज कर रही हूँ। हमने एक प्याज छोटी सी जो इसको भी फाइन चॉप कर लिया है, बेबी कैरेट्स को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और 1 इंच के करीब मैंने अदरक जो है उसको ग्रेट कर लिया है, और एक हरी मिर्च को भी जो है हम अच्छे से फाइन चॉप करके यूज कर रहे हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने चॉप कर लिया है बहुत ही अच्छे से टेस्ट के लिए। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। अब जो मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है, मैं नॉनस्टिक पैन इसमें यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो सब्जियां है ना इसमें ज्यादा पकानी नहीं है, बस हल्की सी हमें भूननी है ताकि इन सब्जियों की जो क्रंचीनेस है ना वो एज इट इज बनी रहे। अब मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद में हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे, और 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हम हींग डाल रहे हैं, और इसके अच्छे से पकने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची, इनको अच्छे से भून लेंगे। अब जैसे ही हमारे जीरे का कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा, अदरक का हमारा हल्का हल्का चेंज हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसमें एक एक करके जो अपने फाइन चॉप करके वेजिटेबल्स रखी है वो सब ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा इसी तरह चलाते हुए 1-2 मिनट भून लेंगे। अब प्याज जो है हमारी हल्की हल्की सी भून गई है, मतलब बिल्कुल हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बोला जैसे कि हमें एकदम पकाना नहीं है इन सब्जियों को। अब इसके बाद जो हम एक एक करके बाकी की सब्जियां ऐड कर देंगे। अब इन सब्जियों को भी जो है ना इसी तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे कि इनकी क्रंचीनेस जो है खत्म ना।
ना हो। आप सब्जियां जो है ना अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपके बच्चों को जो पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास घर में येलो कैप्सिकम था, तो अगर आपके इसमें ग्रीन हो तो आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब्जियों में जो है मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए 1/4 teaspoon के करीब चाट मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं नमक, बिल्कुल हल्का सा ही डालेंगे क्योंकि हमने जो है बैटर में भी नमक ऐड किया हुआ है। हम लास्ट में जो है हम ऐड कर देंगे अपनी फ्रोजन स्वीट कॉर्न और हमारा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हरा धनिया ऐड करने के बाद में जो है ना हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे पनीर। पनीर चाहे आप तो इसको जो है ना छोटे छोटे पीसेस में काट के भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रेट करके यूज कर रही हूँ, है ना। मैं इस टाइम जो है मेन सब्जियों का फ्लेवर अपने चीले में देना चाहती हूँ, पनीर का कम देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा टेस्टी भी लगे और वो झटपट खाएं भी, कोई नखरा भी नहीं करें कि सब्जियां सब्जियां डाल दी हैं, कुछ और तो हमारा फेवरेट इसमें डाला ही नहीं है। तो पनीर जो है बच्चों को वैसे भी पसंद आता है तो वो इसको देख के खा लेंगे फटाफट। और एकदम लास्ट में जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला एक चुटकी के करीब, और इसको अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें मसाले, जो भी आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा स्पाइसी ना लगे इसलिए। अब देखिए ये सब्जियां हमारी अच्छे से भुन गई हैं, ज्यादा हमने इनको नहीं पकाया आपको दिख रहा होगा, और इनको जो हम एक बोल में निकाले थे ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छे से। अब हमारी स्टफिंग भी अच्छे से तैयार हो गई है, हमारा बैटर भी रेस्ट करते हुए इसको भी 5 मिनट हो गया है, वो भी एकदम रेडी है। अब हम चलते हैं गैस पे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब मैंने गैस पे जो है एक अपना तवा रख दिया है, मैंने ये आयरन का तवा यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो ये जो चीले हैं मूंग दाल चीले आप इसको जो है नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं, बट ये जो मेरा आयरन का तवा है कास्ट आयरन का है इसको मैं यूज कर रही हूँ इसमें। और इसको जो है मैं अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ, पहले ऑयल से एक टिश्यू पेपर से अच्छे से एक ऑयल फैला लेंगे, क्योंकि हम जो ये दाल चीला बना रहे हैं इसमें हमें ज्यादा ऑयल की भी जरूरत नहीं होती है और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो चाहे आप इसे नॉनस्टिक पैन तवे पे बनाएं, चाहे आप आयरन के तवे पे बनाएं, बहुत ही अच्छे से बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जरा सा ऑयल लगा के हमने इसको ग्रीस कर लिया ताकि चिपके नहीं, पर अक्सर क्या होता है ना जब हम पहला चीला बनाते हैं ना तो हमारा हमेशा चिपक जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना हमें तवा जो कितना गर्म चाहिए कितना ठंडा होना चाहिए उसका टेम्परेचर जो है हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं। बट हमें जो है ना अक्सर ये करना चाहिए कि जब हमने तवे को ग्रीस कर लिया अच्छे से ऑयल से, उसके बाद में जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें जिससे जो है हमारे तवे का टेम्परेचर जो है एकदम नॉर्मल हो जाए। ज्यादा गर्म होगा तो भी हमारा चीला चिपकेगा और ज्यादा ठंडा होगा तो भी हमारा चीला इसमें चिपकेगा ही। तो ये एक ट्रिक होती है मूंग दाल चीला बनाने की, इसे आप ध्यान रखिएगा। और अब इस तरह से जो है देखिए हमने एक चमचा भर के बैटर लिया है और इसको हमने अच्छे से फैला दिया है, और इसके चारों तरफ से जो है ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे जिससे कि जो है ना हमारा चीला एकदम से नीचे चिपके नहीं। और आपको दिख रहा होगा कि इसके जो कॉर्नर्स है ना देखिए ब्राउन ब्राउन होने लग गए हैं, ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो चीला है एकदम से अच्छे से सिक रहा है दूसरी साइड से। बट गैस की फ्लेम को आप रखेंगे स्लो टू मीडियम। जब अपने मूंग की दाल का चीला हम जब फैलाते हैं ना तवे पर, एक सेकंड ट्रिक ये भी होती है कि हमें गैस की फ्लेम जो है ना स्लो टू मीडियम रखनी चाहिए। जब हम तवा गर्म करें तब हम गैस की फ्लेम को हाई रख सकते हैं, बट उसको नॉर्मल लाना है हमें टेम्परेचर को, और हमें एकदम नॉर्मल तवे पे ही उसको सेकना है जिससे हमारा जो चीला है वो एकदम क्रिस्पी बने। अब देखिए हमारा जो चीला है ना बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर का हो गया, और इसके जैसे जैसे वो सिकता जाएगा आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि वो अपने आप ही जो है ना किनारे छोड़ने लगेगा और उठने लगेगा। देखिए जिस तरह से मैं इसको उठा के आपको दिखा भी रही हूँ चीले को कि एकदम से देखिए बिल्कुल ऐसे ही उठ गया है जैसे कि उड़द की दाल का जो हम बनाते हैं अक्सर डोसा उसी तरह से। और आपको मैं पीछे से दिखाऊं तो उसका कलर भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप चाहें तो इसको ना प्लेन भी बना सकते हैं बिना स्टफिंग के भी, इसके ऊपर जिस तरह से मैंने अभी थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, आप चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, आप ओरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और इसको सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। ये तो हमारा हो जाता है एकदम प्लेन वाला मूंग की दाल का चीला। और बट हम स्टफ्ड वाला मूंग की दाल का चीला बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने तवे को जो है क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के लिए हम वही स्टेप करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में जो है फिर से एक चमचा भर के हम मूंग की दाल का बैटर फैलाएंगे और देखिए उसको स्लो टू मीडियम गैस पे सिकने देंगे, छेड़ेंगे नहीं जब तक कि वो किनारे नहीं छोड़ने लगे। अब देखिए ये भी बहुत अच्छे से किनारे छोड़ने लग गया है, और मैं इसको पलट के दिखाऊं आपको तो इसका कलर देखिए लग रहा है ना एकदम वही वाला जैसे उड़द की दाल का डोसा होता है। अब ये चीला हमने पलट दिया है, देखिए बहुत ही अच्छे से सिका है, और इसके जो आपको दिख रहे होंगे इसके बबल्स, हमने किसी भी तरह का इसमें इनो नहीं यूज किया, बेकिंग सोडा नहीं यूज किया है, किसी तरह के हमने फर्मेंटेशन नहीं किया है इसको, जिस तरह से उड़द की दाल के जो हम डोसा वगैरह बनाते हैं उसको फर्मेंट करने की जरूरत होती है। बेसन को भी जो है हम इसी तरह से बनाते हैं, बट मूंग की दाल का
जो है ना बेसन से भी ज्यादा हेल्दी होता है। तो आप एक बार इस तरह से ना ट्राई करके देखिएगा। अब हमारा देखिए एक साइड से सिक गया है क्योंकि हम यहाँ स्टफ्ड चीले बनाने हैं, तो हम इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। हम 2 टेबल स्पून के करीब जो स्टफिंग इसमें अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़े से हम स्प्रिंकल कर रहे हैं इसमें ऑरिगेनो और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाट मसाला बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए। और इसको जो है हम दोनों साइड से देखिए इसे फोल्ड कर देंगे और इसको फिर से एक बार अच्छा सा सेक लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी सा जो है हमारा मूंग दाल चीला एकदम तैयार हो गया है और इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। पता लग रहा है कि हमारे जो ये मूंग दाल चीला बन रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं और इसमें भी जो है हम इसी तरह से जो है स्टफिंग दूसरे चीले में भी जो है हम भर लेते हैं और फिर से वही हम सर्व करने के लिए अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मूंग की दाल में के चीले की जो बैक साइड जिधर हम स्टफिंग फिल करते हैं उसमें ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, सॉस भी लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्लेवरफुल बनाने के लिए, ताकि बच्चों को लंच में जब स्कूल में आप रख के दें तो उनको किसी भी तरह की जो है ना सॉस एक्स्ट्रा रखने की जरूरत ना पड़े, वो ऐसे ही निकालें और उनको रैप करके रखें और खा लें। बट अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए आप इसमें जो है ना स्प्रेड कर सकते हैं जो मोज़रेला चीज़ आती है हमारे पास में इस तरह से, कि वो भी एक अच्छा सा फ्लेवर दे इस मूंग दाल चीले में और बच्चों को अट्रैक्ट करे और बच्चे जो है इसको फटाफट फिनिश कर दें। मूंग दाल को अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे हम उसको दाल के फॉर्म में खाएं, चाहे हम इसको चीला मूंगलेट्स या आप इसकी जो अपने बनाएं या आप इसको जो है बच्चों को ब्रेकफास्ट में इडली के फॉर्म में भी दे सकते हैं, किसी भी तरह से दें, बट मूंग दाल जो है हमें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए क्योंकि दालों में जो है ना वैसे भी जो है ना हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, बट मूंग दाल में जो है ना स्पेशली जो है ना पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। मूंग दाल जो है फुल ऑफ होती है आयरन, कॉपर, फाइबर, विटामिन B6 भी होता है इसमें। अब इस तरह से देखिए हमारे जो है मूंग दाल की स्टफ्ड चीले हो गए हैं तैयार और इनको हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं और हम इसको सर्व करने के लिए साथ में हम यूज कर सकते हैं सॉस या आप इसको ग्रीन चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। बट बच्चों को जो है ना अक्सर क्या होता है सॉस वगैरह के साथ में ज्यादा अच्छी लगती है। और अब मैं आपको इसको स्टफिंग उठा के दिखाती हूँ तो देखिए आपको दिख रही होगी कि कितनी अच्छे से ये फिल्ड हुई है। आप तो आप इस तरह से जो है सिंपल से मूंग दाल की स्टफ्ड चीलों को जो है आप मॉर्निंग में भी ट्राई कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी है ये इनको खाना, और आप चाहें तो इसको जो है शाम को भी जो है हल्की हल्की स्नैक के तौर पे भी इसको खा सकती हैं। तो आपको इस सिंपल सी मूंग दाल चीले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ अगर चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियां।